स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, बी इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, डी त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। आंसर सी प्रगति मैदान नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले का विषय बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। अगला प्रश्न, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बी एसेंशियल प्रोविडेंट फंड ऑब्लिगेशन, सी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, डी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। आंसर ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लाभदायक निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के तहत लोगों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? ए लुका नार्दी, बी प्रजनेश गुणेश्वरन, सी रोजर फेडरर, डी सुमित नागल। आंसर डी सुमित नागल। एक्सप्लेनेशन, सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल जीता, जो उनका 5वां चैलेंजर खिताब था। नागल ने फाइनल में इटली के लुका नार्दी को 6-1 और 6-4 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की। अगला प्रश्न, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? ए विशाखापत्तनम, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। आंसर डी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया।